Hey guys, welcome back to my channel. चलोगे घूमने? मैं हूँ आपकी प्यारी नीतू कपूर और आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है जबरदस्त. क्यों होने वाला है? क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आ चुकी है हमारी एक बार फिर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन. मैं इस टाइम हूँ वाराणसी में रेलवे स्टेशन पर और मेरे दिल में एक मलाल रह गया था कि मैंने वाराणसी की जो हमारी इंडिया की फर्स्ट वंदे भारत चली थी मैं उसको कवर नहीं कर पाई थी और उस टाइम पे शायद इनोग्रेशन भी नहीं होता था. बट आज मैं सेकंड वंदे भारत जो चल रही है वाराणसी से उसको कवर करने के लिए आ चुकी हूँ. तो ये व्लॉग ना आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, खूब मज़ा आने वाला है और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी. तो बने रहिए आप मेरे चैनल पर, वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए क्योंकि मैं आप सबके लिए कर रही हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत. आपका एक एक लाइक मेरी लाइफ बना सकता है और गाइस मुझे आप सबका प्यार बहुत ज़रूरी चाहिए बिकॉज आई लव यू सो मच ऑल ऑफ यू. एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ शेयर तो करना बिल्कुल भी ना भूलें. चलते हैं और सारी अपडेशन आज की वंदे भारत की मैं आपको दिखा दूँ. ये है ब्यूटीफुल सा वाराणसी का रेलवे स्टेशन, देख सकती हैं बाहर से बहुत खूबसूरत है. उसकी जो नाइट की खूबसूरती वो तो मैं आपको दिखाई देती हूँ कैसी. आपने काशी विश्वनाथ तो बहुत फेमस सुना ही होगा. काशी विश्वनाथ तीर्थ सबसे बड़ा और हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग है तो वो यहाँ का सबसे बड़ा फेमस लिंग है यहाँ. तो अब चले हम पास लेने के लिए और हमें मिल चुकी है हमारी ज्योति जो कैसे हैं आप. तो इनके साथ मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई थी सपरोन वंदे भारत इनोग्रेशन था और आज भी इनोग्रेशन है. सेकंड टाइम हम मिल रहे हैं और आज स्पेशल है क्योंकि हमारे महादेव की नगरी काशी यानी कि बनारस से होने वाली ट्रेन फिर से दिल्ली जाएगी. तो इससे अच्छा मौका क्या मिलने वाला है. तो अब चल रहे हैं हम पास के लिए, पास लेने वाले हैं अब तो उसके बाद जर्नी स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ AK और शुभम जो है वो जो पास है हमारे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. हमें जो पास वो हमारे मिल चुके हैं और पास किस तरीके का होने वाला है मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ. तो ये जो हमारा पास है ये हमारा कुछ इस तरीके का है हमारा, देख सकते हैं इसमें की कार्ड है और उसके बाद हमारे जो पास है ये है. तो मैं बहुत हैप्पी हूँ जर्नी करने के लिए. तो गाइस देख सकते हैं पास की एंट्री के बाद हमें वो मिल चुकी है यहाँ पर एंट्री, क्योंकि विदाउट पास की एंट्री नहीं मिल रही थी. और देख सकते हैं यहाँ पर बिछा हुआ रेड कार्पेट, इसके बिना मुझे वंदे भारत की इनोग्रेशन जो है बहुत अधूरी लगती है क्योंकि रेड कार्पेट. हेलो सर, ये रहे हमारे पुराने स्टाफ, जाने माने स्टाफ, मिलते हैं आपको अंदर. रेड कार्पेट के बिना मुझे जो वंदे भारत की जो इनोग्रेशन बहुत अधूरी लगती है. इससे जो है ना बहुत ही अजीब और गजीब मजेदार लुक आ जाता है. इनसे मिलिए, ये है हमारे वरुण मल्होत्रा जी जो हमें मिले थे कमलापति है ना गोपाल वाली वंदे भारत फर्स्ट टाइम मिले. तो कैसा लग रहा है आपको आज? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वाराणसी को दूसरी वंदे भारत मिलने जा रही है और सबसे बड़ी बात हमारे इंडिया में पहली वंदे भारत भी बनारस की चली थी ना, दिल्ली से भारत. तो वंदे भारत 2.0 है बनारस के लिए. हाँ, तो और पहली बात है पहली का इनोग्रेशन नहीं था, सेकंड का इनोग्रेशन सर हुई है हमारे लिए बहुत भाग्यशाली वाली बात है. हम इसको कवर करने का मौका मिल रहा है. हाँ जी, और बनारस वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, दूसरी वंदे भारत मिलने जा रही है तो बहुत, क्योंकि उस ट्रेन की ऑक्यूपेंसी इतनी डिमांड नहीं थी इसलिए सेकंड रेक चलाया जा रहा है. बहुत बढ़िया बात. और आप कैसे एक्साइटेड हैं? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, बहुत ज्यादा. तो इस तो वीडियो से ही दिख जाएगा. बाकी यार मैं बहुत मेहनत करती हूं, आप सपोर्ट करते रहो चैनल को भी, जहां भी वंदे भारत आपने देखा होगा. हां गाइस इनके चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा. नाम है मेरा वरुण मल्होत्रा. बाकी मैम देखो मेहनत इतनी करती है ना छोटी बेटी को लेकर ट्रैवल करना और बहुत बड़ी बात होती है. बहुत बड़ी बात है, इतना दूर दूर पहुंच जाते हैं कंटेंट के लिए. तो भाई प्लीज सपोर्ट करो यार, बहुत मेहनत करते हैं. बाकी आप तो चैनल में देखते होंगे कितनी मेहनत. थैंक यू सो मच. सकते गोरखपुर लोकमान्य तिलक जो है ट्रेन जा रही है सामने से. Thank you.
प्रेस कर दीजिए और ये पूरी जो चेयर है आपकी इस तरीके से रोटेट हो जाएगी पूरा ऐसे देख सकते हैं। रोटेट होने के साथ साथ आप इसका बड़ी सी स्क्रीन का ले सकते हैं मजा, जैसे लगता है जैसे हम बाहर ना व्यू नहीं देख रहे कोई सिनेमा हॉल में बैठ के मजे से कोई मूवी देख रहे हैं। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे टेबल भी देख सकते हैं आप, इसमें यहाँ बैठ के आप खाइए पिए स्टडी कीजिए लैपटॉप पे वर्क कीजिए या खाना खाइए, ये भी आपको बड़े कंफर्ट तरीके से दिया गया है। सेक्शंस यहाँ से लॉक कर दीजिए और लीजिए स्क्रीन के साथ मजा। और जान आ गई है। और जब नीतू चढ़ती है ना जिस ट्रेन में तो एक अलग ही मतलब क्या धमाल होता है क्या, अपनी बिहार में फेवरेट हो गई है तुम तो इसी के साथ ये देख सकती है आप फूड के लिए भी दिया गया है, ये इस तरीके से आप अपने फूड जो है रख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप अपने यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स पेपर्स वगैरह जो है यहाँ पे रख सकते हैं और ये बहुत ही कंफर्ट जोन में आपको तो ये है लगेज सेक्शंस जो आप देख सकते हैं पूरा लगेज जो है आप यहाँ और यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद आपको जो ये चेयर्स देखे रेड एकदम रेड कलर के साथ आपको ये चेयर दिखे बड़ी सी स्क्रीन के साथ आप ये देख सकते हैं। ये देखिए ये हमारा एक्सिक्यूटिव है और का देख सकते हैं लुक बहुत बढ़िया है। साथ के साथ ये देख सकते हैं इसमें चार्जिंग सॉकेट भी दे रखा है आपको देख सकती है। पहले भी अगर जाता था कि वंदे भारत में या अदर ट्रेन में वहाँ दिया जाता था बट अब इसमें चार्जिंग सॉकेट जो है आप यहाँ पे देखें डाटा केबल भी सीधा लगा सकते हैं और चार्जर भी लगा सकते हैं, ये आपको बड़ी अच्छी सुविधा दी गई है। और यहाँ पे देखिए ये सब भी आपको प्रोवाइड दिखे। और यहाँ लाइट की बात करें तो ये तो भैया ऑल टाइम माई फेवरेट टिन 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 सामने आपको बड़ी सी स्क्रीन दिख जाएगी, आपको जो भी आपका स्टेशन है वो आपको मेंशन होता रहेगा टाइम टू टाइम। देख सकते हैं सेंसर डोर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देख सकते हैं ये अपने आप ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये हमारा स्टाफ है पूरा का पूरा और यहाँ पे आपको देख जाएंगे फ्रिज वगैरह जो भी लास्ट आपको वीडियो में मैंने दिखाया था और यहाँ पे वार्म वाटर आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं ये है हमारा चेयर कार, तो दोनों हमारा चेयर कार सेक्शन से यहाँ पे टू से हाय तुषार सर कुछ इस टाइम में आ रही है यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो कि हमारी इंडिया की फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन थी, तो ये आ चुकी है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो हमारी इंडिया फर्स्ट वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी। तो देख सकते हैं इसका फ्रंट से हुलिया कैसा हो चुका है बट जो भी कहे यार वंदे भारत है, अभी तक मुझे इस जैसी ट्रेन कोई भी ट्रेन अच्छी नहीं लगी है। तो जो ये यहाँ पे आके स्टॉप हो चुकी है, मैं बैठी इंडिया सेकेंड वंदे भारत वाराणसी की ट्रेन में और सामने खड़ी इंडिया फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो वाराणसी की से फर्स्ट टाइम चली थी और ये है सेकेंड, दोनों का तालमेल देख सकते हैं एक साथ है और इससे अच्छा नज़ारा आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा। ये जो हमें पहुँचाने वाली थी 8 घंटे में और ये हमारी 8 घंटे 5 मिनट में पहुँचाएगी वाराणसी टू दिल्ली। तो देख सकते हैं ये है हमारी नई नवेली और ये हो चुकी है 2019 पर हो कहाँ पर तो चैनल का नेम बता दो। डोर हो गया हमारा क्लोज। बात करें इसके वॉशरूम्स की तो इंडियन स्टाइल एंड वेस्टर्न स्टाइल्स के आपको इसको दो वॉशरूम्स टाइप के मिलेंगे, हम जाते हैं अभी वेस्टर्न स्टाइल्स में। तो देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा सा मिरर दिया गया है, साथ में वॉशबेसिन दिया गया है, हैंड ड्रेस मिला हुआ है आपको, यहाँ पे हैंड वॉश हो गया और कुछ इस तरीके का जो आपको वॉशबेसिन है जो मिलने वाला है तो मैं आगे का नहीं दिखाने वाली। सेम ईयर आपको इंडियन स्टाइल भी आपको इसी तरीके से मिल जाएगा वॉशरूम तो काफ़ी नीट एंड क्लीन होने वाला है पूरा। देख सकते हैं वंदे भारत के अंदर भी आपको रेड कारपेट देखने के लिए मिलेगा, सारा लगेज सेक्शन ऊपर भी दे आप देख सकते हैं किस तरीके से रखा हुआ है। और यहाँ भी आए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने बाहर रेड कारपेट देखा था अंदर नहीं देखा था, तो मुझे तो आज अंदर भी रेड कारपेट देखने के लिए मिल रहा है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट्स आए हुए हैं, देखते हैं और बात करते हैं इनसे कैसा लग रहा है आप सबको। फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे वंदे भारत तो इतने अरे जोर से बोलो
गैदरिंग है बॉयज की पर फिर भी ठंडे गर्ल्स देखिए बच्चे सारे ये सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक ही स्कूल से नहीं अच्छा अलग अलग स्कूल से है। अच्छा ये किस तरीके से यहाँ पे आते हैं ये बच्चे जो वहाँ पे कंपटीशन हुआ अच्छा कॉम्पिटिशन के थ्रू आते हैं ओके जो विनर्स हैं वो बच्चे आए हुए हैं अच्छा विनर्स होते हैं उनको मिलता है वंदे भारत में ट्रैवल करने का मौका वाह अच्छा लग रहा है आप सबको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ की बड़े से एक्साइटमेंट के बाद आज के हम दूसरे कोच पर यहाँ पे भी देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए क्या ऐसा लग रहा है आप सबको आपका कुछ एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही मुझे जोश कम लग रहा है ये देखिए हिप हिप सर सबको मजा आ रहा है वंदे भारत में ट्रैवल करते हुए अच्छा ये बताइए वाराणसी की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है पहली में कभी ट्रैवल किया है नहीं सेकंड में है तो सेकंड में जो आपको मौका मिला कैसा लग रहा है बहुत अच्छा सब कॉम्पिटिशन जीत के आए हैं मैम अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं वंदे भारत ट्रेन में जो वाराणसी की दूसरी ट्रेन काशी में अभी हम लोग काशी की पावन नगरी में खड़े हुए हैं और मोदी जी का आप कह सकते हैं स्वभाव है हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं यह क्यों है हमारी काशी नगरी जो इतनी पुरानी है भव्य नगरी है वहाँ पे अभी हम लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ का महत्व ऐतिहासिक भी है पौराणिक भी है और सांस्कृतिक भी है आज इस काल में आज इस समय में जब काशी एक ऐसी नगरी के तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है जो पूरी दुनिया में एक विश्व गुरु बनने के लिए भारत की सबसे बड़ी मदद करने वाला है यहाँ के छात्र जैसे आप सभी हम लोग को देख सकते हैं हम सभी इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं कि हम पूरे के पूरे भारत देश को जगमगा देंगे अपनी पूरी की पूरी शक्ति का उपयोग कर इसलिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं अब काशी नगरी इतनी महत्वपूर्ण ही क्यों है आप बताइए खुद सोच के देखिए काशी नगरी एक ऐसी नगरी है जो यूपी बिहार मध्य प्रदेश झारखंड ऐसे कई सारे प्रदेश को एक जगह पे आकर के जोड़ देती है जिसके कारण हम सभी यहाँ पे खड़े हैं धन्यवाद क्लैप हो जाएगा आप कुछ कहेंगे बिल्कुल तो मैं यहाँ एक स्वरचित कविता बोलने आई हूँ ये कविता मेरी अपनी रचना है भारतीय रेल के ऊपर वंदे भारत के ऊपर तो भारत देश की जीवन रेखा बनी हुई है रेल सतत उन्नति का वाहक है श्रम व शक्ति का मेल तीव्र वेग से चलती है वंदे भारत एक्सप्रेस तकनीकी दुनिया का गौरव बना है भारत देश बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा मैं सारा इनोग्रेशन जो था बाहर का फंक्शन जो था मिस कर दिया मैं ये सब नहीं ले पाई तो देख सकते बाहर का कुछ अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से था आगे चलते और आगे और दिखा दूं आपको अरेंजमेंट यहाँ का ये आ चुका है हमारा फर्स्ट कोच यहाँ पे भी देख सकते हैं स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं और उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको सारा भारत हमारे जो थोड़ी ही देर में ये जो हमारे मोदी जी हैं वो फ्लैग ऑफ करने वाले हैं यहाँ से तो ये देख सकते हैं यहाँ का सारा अरेंजमेंट आप यहाँ देख सकते हैं वाराणसी का बोर्ड भी आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये देख सकते हैं हमारा लोको पायलट कैबिन है हुआ तो इसमें ट्रैवल करेंगे जरूर आज का जो ट्रेन नंबर होने वाला है वो वंदे भारत का वो होने वाला है 0015 सिर्फ आज के लिए देन उसके बाद आज की जो होने वाले इसके ऑफिशियल और इनोग्रेशन डे के वो होने वाले हैं इसके वाराणसी से चलते हुए प्रयागराज जंक्शन देन उसके बाद कानपुर सेंट्रल फिर इटावा फिर उसके बाद टुंडला फिर उसके बाद अलीगढ़ देन उसके बाद दिल्ली तो इसके आज के ऑफिशियल इस तरीके से होने वाले हैं आज इनोग्रेशन डे है तो पूरा नहीं कह सकती कि पूरे टाइम टू टाइम हमें ये दिल्ली तक पहुँचाने वाले क्योंकि हर स्टॉप ये रुकती हुई जाएगी और बाहर का कुछ नज़ारा कुछ इस तरीके से है अभी तक चल रहा है देखते हैं इसका फ्लैग ऑफ कब तक होने वाला है
बज गए हैं 2:22 और अभी तक कोई संकेत नहीं मिल रहा है। 2:15 का इसका टाइमिंग था चलने का। ये देखिए सबका स्नेह और प्यार देखिए, सबका स्नेह और प्यार। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये आपको सारे टूल्स मिलेंगे, कैमरा मिल जाएगा, बहुत सारे कैमरे आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे एमरजेंसी टॉक पैक, आपको फर्स्ट एंड बॉक्स भी यहाँ पे मिल जाएगा, देख सकती है। हर फैसिलिटीज आपको मैं वैसे पहले वाली वंदे भारत में भी दिखा चुकी हूँ। देखिए कितनी अच्छे से स्माइल के साथ जा रहे हो, रात तक तो उधर जाएगी ना स्माइल, थक जाओगे ना, एक्टिव रहोगे। यस एक्टिव रहेंगे, देखो सर। सो फाइनली जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो 2:43 पर चल पड़ी है, और वहाँ देख सकते हैं एक सामने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी हुई है जो हमारी फर्स्टेस्ट एक्सप्रेस ट्रेन थी हमारे इंडियन की, और ये देख सकते हैं सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो यहाँ से चल पड़ी है। 2:15 का इसका टाइम था चलने का, बट अपने टाइम से लेट होते हुए ये फाइनली स्टार्ट हो गई है, धमाकेदार जर्नी आपके साथ। ये देखिए मोदी जी दिख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। वाराणसी जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, इंडियाज फास्टेस्ट एक्सप्रेस ट्रेन। तो दोनों में अब चलने वाला है कंपटीशन, देखते हैं ओवरटेक कौन सी करती है एक दूसरे को। अब मिल चुकी है हमें पानी की बोतल, स्टार्ट होते ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। अब तक की 3 ईयर्स ओल्ड बेबी सबसे ज्यादा वंदे भारत कवर करती है लड़की। ये देखिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट एक बात मैं आपको ये बता दूं कि सेकंड वंदे भारत चलने का वाराणसी से क्या कारण था, क्योंकि ये सेकंड वंदे भारत चलने का यही कारण था क्योंकि वाराणसी के यहाँ से बनारस से इतनी डिमांड थी कि यहाँ से जनता से बहुत ज्यादा हैवी डिमांड के कारण यहाँ से चलाई जा रही है। टोल बनारस जो उसको क्रॉस कर चुकी है ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन हो गया बनारस का रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट स्टेशन दिखा, देख सकते हैं आप इसमें मेंशन किया हुआ है प्रयागराज जंक्शन आने वाला है, पूरा जो डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। ये है मकसद जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा मैम, इस तरीके से रख सकते हैं। ये देख सकते हैं हमने अपना लगेज जो है ऊपर रख दिया है। हमारा स्नैक्स वो आ गया है एक्सप्रेस, अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आया है इसके अंदर। और ये आया है कचौड़ी लग रही है, देखिए अंदर से लग रही है कचौड़ी है वन, और उसके बाद ये आ चुका है काजू का पैकेट, और ये आया ट्रॉपिकाना जूस, और इसके अलावा आ चुका है ये लड्डू, रागी का लड्डू आ चुका है, ये देख सकते हैं रागी का लड्डू, और ये देखते हैं मक्खन आया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें आपको स्नैक्स मिले, साथ में कैचअप भी मिला आपको, तो ये आपको सारा स्नैक्स जो है आपको ये मिला है। मैं खा दूँ कचौड़ी, देख सकते हो पूरे मसाले से भरी हुई है, काफ़ी अच्छी टेस्टी है। गुड़िया ने साफ कर दिया मफिंग, तो बाकी रागी का लड्डू है, मैं कम ही खाती हूँ, काफ़ी हेल्दी होता है पर ये लड्डू खाए तो इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, प्लीज जरूर खाइए। देखिए लड्डू खा रही है, कैसे है सोना? अच्छा, एक नंबर का आपको चलिए दिखाते रहते हैं धमाकेदार जर्नी है आप लोगों के साथ। यहाँ पे जो जितने स्टूडेंट्स है वो उतर गए हैं यहाँ पर, तो इसे कैसे मिस कर सकते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ की गंगा नदी, तो ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल सा नज़ारा आपको वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से देखने के लिए मिलेगा। इतना बड़ा यार किसी टाइम में ये जो नदी है मतलब प्रॉपरली इतने बहती होगी, और कितनी खूबसूरत से बना रखी है, इतने बड़े स्केल पर जो है माघ मेले की तैयारी हो रही है, बड़ा मेला यार, वर्ल्ड क्लास मेला होने वाला है।
जोधपुर हावड़ा। गाइस नेक्स्ट स्टेशन सर कैसा लग रहा है आपको सेकंड वाराणसी की वंदे भारत करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है और खासकर ना वाराणसी वासियों के लिए ये मतलब एक तोहफा ही है ना, क्योंकि मतलब एक नहीं दो दो वंदे भारत, दो दो वंदे भारत चलेगी वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में हैवी डिमांड के ऊपर। भाई डिमांड 100% ऑक्यूपेंसी वाली जो यही रूट था, यही रूट था, जरूरी भी था देना है ना। और मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, तुम तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ सर, आप हो तो साथ में एंजॉय करना बनता है। आ चुके हमारे ऑफ फर्स्ट हॉल्ट पर प्रयागराज। आगे मुझे ढोल सुनाई दे, ढोल भी आ गया। डेली बेस के ये उनमें से प्रयागराज फर्स्ट हॉल्ट होने वाला है और सेकंड होएगा कानपुर सेंट्रल, जो आपको रेगुलर बेस पे मिलने वाला है इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का वाराणसी का। दो ही हॉल्ट आपको रेगुलर बेस पे मिलेंगे, क्या पता आगे चलकर अलीगढ़ भी हो जाए, बट आपको रेगुलर बेस पे एक अपना प्रयागराज जंक्शन और एक दूसरा हमें आपको मिलने वाला कानपुर सेंट्रल, दो ऑफिशियल रेगुलर बेस पे इसके होने वाले हैं। ये देख सकते हैं ऑन बोर्ड हो चुके स्कूल के स्टूडेंट्स, फाइनली जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो चल पड़ी है। यहाँ है क्राउड, देख सकते हैं यहाँ पर आयोजन कुछ इस तरीके का था। और फर्स्ट ऑफिशियल फॉर रेगुलर बेस। सो गाइस आपको 755 किलोमीटर जो है वो आपका 8 घंटे 5 मिनट में तय होने वाला है, बाकी अगर बात करें घंटे की तो काफ़ी आपका समय बचने वाला है वंदे भारत की वजह से। और मॉर्निंग में 6 बजे वाराणसी से 6 बजे चलेगी, उसके बाद आफ्टरनून में 2:05 पे आपको दिल्ली पहुंचा देगी, और वहां से दिल्ली से वाराणसी आने का टाइमिंग इसका ये है कि 3 बजे वहां से चलेगी और रात को 11:00 पर आपको यहां पे वाराणसी उतार देगी। तो बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है, 8 घंटे और 5 मिनट ये जो है वंदे भारत है हमारी लेने वाली है। बाकी ट्रेनों की बात करें तो उससे बहुत समय आपका बच जाएगा वंदे भारत की वजह से। आपको प्राइस भी बता दूं हमारे चेयर कार का और एग्जीक्यूटिव क्लास का, तो हमारा जो चेयर कार है उसका जो प्राइस पड़ने वाला है आपको 1750 आपका किराया पड़ने वाला है यहाँ से, और जो है एग्जीक्यूटिव चेयर का तो इसका आपको जो प्राइस होने वाला है वो होने वाला है 3300 पर हेड। तो ये आपको पता ही होगा रोटेटेबल चेयर है इसका, जो पूरा टर्न हो जाती है जिससे आप सिनेमा जैसा माहौल देख सकते हैं। तो इसका 3300 पर हेड इसका फेयर होने वाला है। बाकी आइज में गौर फरमाइए, देखिए कितनी खूबसूरत आइज है। ये हमारा स्टाफ है, बहुत ही प्यारा स्टाफ है। ये कैसा लग रहा है सफर, मजा आ रहा है? फर्स्ट टाइम ये पहले भी ट्रैवल किया है, पहले भी किया हुआ है बाकी ट्रेन से, इसका एक्सपीरियंस कैसा? अच्छा है। बाहर के व्यू पे भी नज़र मार ली जाए, देख सकते हैं सनसेट चल रहा है इस टाइम, बाहर हर तरफ ग्रीनी नज़र आ रही है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है व्यू, रेलवे ट्रैक और सनसेट। फिल्म तो अभी बाकी है मेरे दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में।